इसमें से आपका कौन सा वाला सीधा वाला है? ये सामने वाला पर्पल, ये तो ये गरीब है। कितने लोग रहते हैं घर में? हम दो रहते हैं। दो जने? मम्मा है। मैं भैया को ना कह रहा था अपना घर दिखाओ, भैया कह रहे यार हम ना गरीब लोग हैं तो छोटा मोटा घर है। भाई देख लो, देख लो ये छोटा है तो फिर बड़ा किसको कहते हैं ये लोग? गाड़ी है ना छोटी यार, ऑल्टो गाड़ी है यार, क्या कह रहे हैं। ये भैया का गार्डन, यहाँ भैया बैठ के दोपहर को चाय पीते होंगे। सामने सारे माउंटेन्स है, स्नो कवर्ड। जो सुबह का व्यू आता हुआ ना इनका यार अलग ही होता होगा। शिप पे सारा वुडन का घर है ना ये का। ये भैया करोड़पति है भाई। चुप चुप, बिजी तो नहीं होती है ब्राउन में भैया के घर। सारा कारपेट, ये एक टाइप से आपका वो होगा गेस्ट रूम। हाँ ये तो पूरा गेस्ट रूम ही है। यहाँ पे इनके कल्चर में ऐसा होता है कि जैसे फ्रेंड्स लोग आ गए तो चारों तरफ सारे फ्रेंड्स लोग बैठ गए और अपना गपशप हो रही है। यार इन लोगों का अलग ही अच्छा कल्चर है यार काफी। ये अफगानिस्तान वाले घर में था ना ऐसे, क्योंकि तो फिनिशिंग देखो लकड़ी की और सारी वुडन है। ऐसा गरीब तो भगवान हमें भी बनाए। फिर मैंने कहा ना पहले, यहाँ पे दो चीज कश्मीरों का पीछे करते हैं, एक तो शादी दूसरा घर। हमारे शौक होते हैं घर बनाना और शादी करना। हाँ पूरा लकड़ी है। और ये कौन सी लकड़ी होती है? वो वुडन होता है, दुकान पे बेचते कह रहे हैं वही लकड़ी है जो दुकान पे बेचते हैं, वही है ना। यहाँ पे भी काफी लोग आ सकते हैं। भैया भैया आपका वैसे अपना पर्सनल रूम कौन सा है? मेरा हम कहीं भी सोचे थे, हमें यहाँ पर्सनल इतना बड़ा घर है भैया का कि किसी रूम में सो जाते हैं। कोई रूम नहीं है कहीं भी, सारे रूम अपने हैं। सब तो मेरा है। सब सबको मुझे तो ये पसंद है, ये जो ये वुडन को यार इतनी फिनिशिंग, वुडन के काम में इतनी फिनिशिंग। फ्लोर देखो, ऐसा तो फ्लोर बनता भी नहीं है वहाँ पे हमारे घर में। ये जैसे आपका फ्लोर बना हुआ है भाई साहब। भैया ने झूठ बोला, और भी है ऊपर हर जगह अलग कारपेट। क्या चाहिए बंदे को लाइफ में? अबे आपकी तो लाइफ पूरी है, सेटल है। कहाँ है यार? सही है भाई, तो ये क्या लोन लेके बनाया? लोन तो जरूरी है। कितने का है ये लोन वाला घर है? लोन वाला घर भी ना बनाए कोई ऐसा। कारपेट है पूरे छाट भाई, ये देख फ्लाइट है 60 तो। सुबह सुबह अगर उठो देखो यहाँ बर्फ गिरी हो। नहीं नजर ही, नजारा ही अच्छा है। और सामने स्नोफॉल देख, वो रही ऊपर कितने स्नो है। भैया के घर आए चाय ना पी के जाए। मैं तो सोच रही हूँ भैया आपको तो हमें फ्री में घुमाना चाहिए, बहुत पैसा खर्च करवा रहे हो फालतू। तो जी भैया हमारे लिए, स्टाफ था आपका, भैया हमारे स्वागत के लिए चाय वाय पता नहीं क्या क्या ले आए हैं। तो जो है वो तो मालिक है, मतलब हम ना हम बिन बुलाए मेहमान इस तरह से भैया ने हमारी पूरी खातिरदारी कर रहे हैं। नहीं नहीं मैंने अभी ना कोई है नहीं, और आंटी जी वगैरह कोई भी नहीं है यहाँ, कोई मामा जी है बस। छोटे भाई को पिलाओ ना, मामा जी को दे दो ना, उन्होंने खाना है वो खाना खा। छोटे भाई को पिलाओ ना, छोटे भाई को दे दो, खराब जाएगी ना यार। और क्या खराब क्यों करना, दो उनको दो। अब कश्मीरी लोकल कश्मीरी भैया के घर में कुकीज का मजा लेते हुए मजा। ये क्या कह रही है? कह रही है आपको हमें पैसे नहीं, हमको आपको पैसे नहीं देने चाहिए, आपको हमें देने चाहिए। ये वैसे कितना एरिया होगा पूरा आपके घर का? बस ये देवर अंदर। नहीं नहीं स्क्वायर फुट कितना स्क्वायर फुट होगा? मैं पता नहीं स्क्वायर फुट के हिसाब से यहाँ पे नहीं होता है। अच्छा यहाँ पे कैसे होता है? यहाँ होता है मरले के हिसाब से, कुनाल के हिसाब से। जैसे अच्छा। एकड़ तुम्हारी यहाँ एकड़ होता है। एकड़ अच्छा, एकड़ एकड़ सीधा एकड़ में। बड़े लोग हैं, बड़ी बात, गज की तो बात ही नहीं। इसको बनाने में कितना टाइम लगा भैया इस घर को? इसको लग गया लगभग एक साल। एक साल? और आपने कब बनाया? नया घर बना हुआ भी है? ऐसा ऐसा इसको हो गया बहुत, 2008 में बनाया ये। 2008 में? और यार वुडन पिछले साल ही कंप्लीट हो गया। 2008 में बनाया था अब कंप्लीट हुआ है? हाँ 12 साल लगे इसको बनने में। और क्या, आहिस्ता आहिस्ता काम चालू हो रहा है, पैसा एक ही बार थोड़ी आता है। तब तक आप कहाँ रहते थे? यहीं पे रहते थे। अच्छा मतलब साथ ही रहते थे और डेकोरेट मतलब वो बढ़ाते गए।
ओके। और वैसे एक लमसम अमाउंट कितना खर्चा हो गया होगा पूरे घर में सिर्फ बनाने में, जमीन की बात नहीं? बनाने में लगभग 80 लाख। 80 लाख तो कम है यार। ये वुडन ऐसी रहती है पूरी? इसको अभी पॉलिश हुआ ही नहीं, इस कमरे का हुआ है, आधे को ऊपर हुआ ही नहीं है। और मतलब कुछ ये गंदी नहीं होती, ऐसी कैसी रहती है? इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती मतलब 3-4 साल बाद? कुछ नहीं, जैसे हमको तो व्हाइट वॉश करनी पड़ती है ना अपने घरों में। नहीं इसको नहीं, अभी ये एज इट इज रहेगी, लगभग निकलते हैं 20 साल। 20 साल ऐसा कैसा ही रहेगा? हाँ। और इस वुडन से विंटर में हेल्प करती है ये? विंटर में भी, समर में भी। ये अच्छा, तो आप सर्दियों में क्या करते हो? ऐसे है ना ये, तो ये एज ए हीटर चलाते हो ना? वही 26-28 डिग्री, 2 in 1 है, तो ऐसे भी है ठंडा भी गर्म। वही 25-26 डिग्री कर लेते होगे टेम्परेचर। ये जो शेख अब्दुल्ला है ना, वो दफन यहीं पे है। ओके, जो आपके एक्स चीफ मिनिस्टर है। हाँ हाँ हाँ। ओके, यहाँ पे मैंने इतना देखा, थोड़ा साफ सुथरा है कश्मीर, साफ सुथरा। ये लोकल मार्केट है यहाँ कश्मीर की, जहाँ पे दुनिया भर के आपको कारपेट्स वगैरह या फिर शॉल्स वगैरह, यदि थोड़े कम रेट वाले होंगे शायद। यूनिवर्सिटी के गेट पे भी आर्मी अभी बैठी है, यहाँ पे नहीं होती है, आज बैठी है। क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? मौलाना आजाद। रूमी गेट, रूमी गेट है। ओके, ये इनकी मौलाना रूमी गेट यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी। काफी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये अंदर से। तो जी अब आ गए हम यहाँ पे कश्मीर की फेमस दरगाह पे। बाहर से बड़ी ब्यूटीफुल लग रही है दरगाह, मैं आपको दिखाता हूँ क्या व्यू है यार। पूरी मार्बल से बनी हुई है ये दरगाह यार, क्या जबरदस्त बनी हुई है यार। और ये दरगाह से यहाँ पे रास्ता निकलता है लेक के लिए, वो लेक भी देखते हैं। तो दरगाह से ये रास्ता निकलता है सीधा डल लेक का, मैंने साथ साथ ये दरगाह यहाँ पे। और यहाँ पे बड़े, यहाँ पे ना कश्मीर में मैंने देखा है गार्डन्स बहुत सारे हैं, है ना? मुगल गार्डन, चश्मे शाह गार्डन, बहुत गार्डन्स हैं। और यहाँ से डल लेक का बहुत प्यारा सा व्यू, और सामने पूरा श्रीनगर दिखता है यहाँ से डल लेक से। दरगाह ही नाम तो होगा ना, पीर बाबा किसी की, ऐसे दरगाह ही बोलते हैं, दरगाह ही बोलते हैं भाई। तो ये बिल्कुल ताजमहल जैसी लग रही है। तो ये भाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, मतलब इतनी बड़ी फैली हुई है ये, और बिल्कुल डल लेक के कोने में है। मैं आता होगा, बैठता होगा, कितना सुकून मिलता होगा ना, टाइम पास एकदम, कि सामने सामने लेक है। और इधर यहाँ पे मतलब दरगाह हो, गुरुद्वारा, मंदिर, जो भी हो, तो और इसके सामने हो बेसिकली, कि तो सुकून मिलता है। तो ये जो दरगाह थी, दरगाह के सामने ही एक लोकल सी मार्केट है, देखते हैं यहाँ पे लोकल सा कुछ मिलता है। तो सारा वुडन का काम ही है, सब वुडन का काम है, देखो। ये है पूरा ओल्ड कश्मीर, ओल्ड कश्मीर की मार्केट। लग रहा है कि हम यहाँ कश्मीर में हैं। देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ लेने को मिलता है तो। सामने डल लेक है और यहाँ पे इनकी लोकल मार्केट। इतना बड़ा भटूरा? भटूरा नहीं, पराठा। पराठा है? किस चीज का ब्रांड है ये? मैदे का। अंदर कुछ फिलिंग है इसकी? और किसके साथ खाते हैं? नमकीन, चाय के साथ, हलवे के साथ। ओके। दूध के साथ। ये एक कितने रुपए का है? 140। 140 का इतना बड़ा? और ये हलवा किस चीज का? मूंग दाल का? सूजी का। सूजी का। ये कितने जने खाते हैं ये? 5-6 बंदे, 2 बंदे भी उसका पेट। बहुत बड़ा है। पहला ऑटो देखा हमने कश्मीर में। मैंने वो वाली रिक्शा भी देखी, मुझे बहुत खुशी हुई। ये भैया देखो, यहाँ कमल ककड़ी है, डल लेक में कमल होते हैं ना, तो उसकी कमल ककड़ी है ये। ये डल लेक से लाते हो? डल लेक से। अभी दिखेगा कोई हमें ऐसा? ऐसा कहाँ, इधर नहीं दिखेगा, उधर जाना है, किश्ती में जाना है। अच्छा, वो शिकारा पे? शिकारा में जाना है बस, उधर। और इस टाइम कमल दिखेंगे? कमल नहीं, कमल नहीं दिखेंगे, खत्म हो गया।
अच्छा पानी के नीचे होता है उसके बाद। अच्छा तो हम ये निकाल पाएंगे उसके ये उधर इस वक्त निकालते हैं वो। अच्छा ये है डल लेक का बैक व्यू। यहाँ पे बहुत सारे मतलब अपने टाइम पे लोटस होते हैं सारे, और यहीं से ही वो जो कमल ककड़ी होती है ना जिसको हम बेबी बोलते हैं वो यहीं से होता है। ये सारे ये कमल ककड़ी के लिए ही ये जो अंदर गए हुए हैं लोग उसको निकालने के लिए। पानी बहुत गंदा देखो, इतने गंदे पानी की हम वो खाते हैं यार, जहाँ तक दूर दूर तक देखो यार पानी वानी है। इसके जस्ट सामने ये है निगनी लेक। इस निगनी लेक में जो जितने भी 4-star 5-star हाउस बोट होती है ना वो सारी इस निगनी लेक में होती है। और सामने कुछ हाउस बोट्स दिख रही है, हाउस बोट्स हैं सारी। तो अभी जो समय हुआ है वो हुआ है 4:45 और हम लोग यहाँ पे आ गए डल लेक पे शिकारा हमारी हाउस बोट पे। तो अभी फिलहाल और कुछ देखने का है नहीं, हमने जितना कश्मीर था जितना मतलब आसपास का सिटी एक बार ही हमें देखना था कि कैसा है कैसा नहीं, तो वो हमने देख लिया है। अब 4:45 हो गई है, 5:30 बजे वैसे भी सारे बंद हो जाते हैं, बट ये वाला जो मार्केट है ना इसके हाउस बोट के सामने वाला ये वाला थोड़ा खुला रहता है क्योंकि ये थोड़ा क्राउडेड एरिया है, प्लस यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा होता है तो इसलिए ये लोग थोड़ा इसको खुला रखते हैं। चलो नहीं नहीं चलो, तो अभी हम लोग बोट कर रहे हैं शिकारा। तो यहाँ पे देखो ये सारे सारे सामान आ जाते हैं इधर, तो अभी देखते हैं ये कहाँ अपने लॉज से कहेंगे अभी जाओ वहाँ पे देखो, एक घंटे भी जाया एक्स्ट्रा भी जाया हो जाएगा मॉर्निंग टाइम। चलो अभी क्या करें, अभी क्या है बैठना है क्या कल 9:00 रेडी रहना। ठीक है ठीक है ठीक है ना, ठीक है आप 12 बजे तक वापस आएगा। ठीक है ठीक है, चार चुनार भी दिखाना, चार चुनार फिर 2-2.5 घंटा 3 घंटा आराम से घूमेगा। ठीक है 9 बजे रेडी चलने का नाम बताना। ठीक है मैम, ठीक है चलो। मैं गिर जाऊंगी, एक बोट में जाएगी, मैं गिर जाऊंगी। हाय राम, यहाँ पे देखो भैया ये पूरा है, ये बैठो आराम से अपना चौकड़ी मार के लेट के सो के जैसे जिसको जाना है जाओ। आप हमारे मेहमान हैं, नो प्रॉब्लम, आराम से बैठो। अभी आप रेस्ट करो, हाउस बोट पे हमारा जगह शिकार है। ओके सर, मुझे भूख लगी। ये तो समझ रहे घर की है, ये देखो ये देखो ये पे घर के बेड पे। मेरा नाम है तारिक। तारिक आप कितने टाइम से कर रहे हो ये? बस 1-2 महीना हो गया अभी। अभी नहीं नहीं सही है यार। और ये भैया ऐसा कितने की आती होगी पूरी? ये 3 लाख का बनता है। 3 लाख का बनता है? और कौन सी लकड़ी होती है? देवदार की। देवदार की, सही है यार। और शिकारा में सुबह आप ही ले जाओगे? कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे घूमने के? बहुत सारा पॉइंट है, गोल्डन लेक, एरो पार्क, ओपन डेल लेक, स्विमिंग पूल, कुबेर का खाना। अच्छा, फ्लोटिंग मार्केट, मीना बाजार। अच्छा जी, इतनी जगह है यहाँ पे, बहुत बड़ी लेगा ये। 45 किलोमीटर से बनी हुई है। और यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स है, एक तो मीना मार्केट है, एक फ्लोटिंग मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, एक कुछ स्विमिंग पूल टाइप भी कुछ है, बहुत कुछ है यहाँ पे यार। तो इस पानी के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है, पानी के अंदर इतना कुछ है ना। और ये सारी हाउस बोट देखो यार, ये लोग कितने कॉन्फिडेंस से बैठते चलाते हैं, मुझे तो मतलब इसके ऊपर आते हुए भी डर लग रहा था। सारी हाउस बोट देखो हमारी है, साइमा हमारी आगे कहीं होगी। ये सब अपना मस्त राइड वाइड लेके इसके शिकार पे आ रहे। देखो बनी हुई है, ये भी अलग अलग देखो, अलग ही वो नजारा है। इसे तो हम देख ही लेंगे जाते हुए, बट अभी जितनी बोट्स खड़ी है उसको थोड़ा क्लोजअप से देख लेगी सारी कैसी है। मतलब यार कितनी ब्यूटीफुल इन लोगों ने वो कलाकारी कर रखी है ना, मतलब हर एक अपनी ही है कि मतलब कोई हाउस बोट लग्जरी है, कोई हाउस बोट मतलब इतने स्टार वाली ऐसी ही है। तो अभी हम लोगों को ना पीछे लेके जा रहा था भैया, हमने बोला कि हमारी जो है सामने वाली है बोट फ्रंट फेसिंग है हमारी बोट, हमारी वो खड़ी भी बोट फ्रंट फेस उस पर थी और सामने मार्केट भी है। तो भैया हम तो देखो जो देखी है जो है हम तो उसी पे ही जाएंगे, तो हम वापस जो है उसी पे जा रहे हैं। और तो देखो यार इसके ऊपर मतलब क्या कारीगरी कर रखी है, मतलब देखना लकड़ी का काम तो ये होता है, मतलब देखना कितना कितना प्यारा काम कर रखा है। पर हमारी अनफॉर्चुनेटली ये हमारी नहीं है, हमारी ये वाली है, हमारी ये वाली आगे वाली है जिसके ऊपर झंडे लहरा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा एक्चुअली वहाँ पे दूसरा कपल है, इसने आपको वहाँ लेके गए, इनको पता नहीं है। वही ना, हमें वहाँ ले जा रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे है और आने वाले हैं। ओके ओके, तो वहाँ पे है, इनको थोड़ा हो गया पता नहीं था। ठीक है चप्पल वाला
और ये इरशाद साहब ने बोल के रखा है ना। तो जी हम आ गए हैं होटल साइमा साइमा पैलेस हाउस बोट। ये बिल्कुल डल लेक उस पे मेन रोड के पास ही है, बिल्कुल फ्रंट फेसिंग है। काफी अच्छी लोकेशन है इसकी। किस जगह पे भैया ने हमें थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया हमारा रूम। पहले हमारा था इस होटल साइमा पैलेस में, ये भी इन्हीं का ही है लेकिन थोड़ा सा अपग्रेडेड यहाँ पे रूम्स हैं। तो अब भैया हमें रूम्स दिखाने वाले हैं।